पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और आईनी अहदा अपने नाम कर लिया। पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब। पंजाब असम्बली के इलेक्टोरल कॉलेज से अलवी ने 33 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल मौलाना फजलुर रहमान को 25 और पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन को सिर्फ एक वोट मिला। नौमंतखब सदर आरिफ अलवी ने कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बोले, इत्तेहादी जमातों के साथ देने पर उनका शुक्र गुजार हूँ। अब मैं पीटीआई का नहीं पूरी कौम का सदर हूँ। इमरान खान ने जो जिम्मेदारी डाली उसे पूरा करने की कोशिश होगी। गरीबों को रोटी, छत और कपड़ा देना अव्वलीन तरजीह है। मीडिया से गुफ्तगू। नए अरकान असेंबली तजर्बे की कमी। पंजाब असेंबली के इलेक्टोरल कॉलेज में 18 वोट मुसरद। मुतादिद अरकान के बैलेट पेपर्स पर गलत क्रॉस, बाज ने क्रॉस की बजाय दस्तखत कर डाले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस यावर अली ने गलत निशान वाले वोट मुसरद कर दिए। मुसरद शुदा वोटों में पीटीआई के वोट ज्यादा होने का खदशा। ऑपोजिशन की नाइतकाफी का पीटीआई ने भरपूर फायदा उठाया। ना मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार किया, ना पीपल्स पार्टी ने मैदान छोड़ा। आरिफ अलवी के लिए मैदान मारना आसान तर हो गया। सदारती मुकाबला 1-1 ना होने की वजह से जोड़ कांटेदार साबित ना हो सका। फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफों पंजाब असेंबली के कायदे हिजब इख्तलाफ के नोटिफिकेशन पर एतराजात हैं। हुकूमत इत्तेहादियों से किए वादे पूरे करेगी। इमरान खान को 100 दिन की मोहलत दें फिर तनकीद करें। शहबाज शरीफ ने 10 साल में सूबा तबाह कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने हमारे 12 वोटों पर नकाब लगाई। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होना ऐवान की तौहीन है। बलदियाती निजाम पर शब खून मारा गया तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। डट कर मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज की गुफ्तगु। बोले, परवेज इलाही ने पंजाब बैंक लूटा, हमारा साफ पानी कंपनी के इसमें ताल्लुक नहीं, फिर भी नैप ने बुला लिया। ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ जरदारी को निशाने पर ले लिया। फ्रेंडली अपोजिशन का इल्जाम, आसिफ जरदारी मजबूत अपोजिशन की राह में रुकावट हैं। धांधली बेनकाब करने का तारीखी मौका भी खो दिया। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। पहले वज़रा का 3 माह में हनीमून पीरियड खत्म नहीं होता था, अब हफ्ते और इतवार की छुट्टी भी बंद है। अपोजिशन तकसीम होने से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। आरिफ अलवी पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में पेश करेंगे। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाज़ुल हसन चौहान की मीडिया टॉक। बोले, डीपीओ के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को फतह हुई। मौजूदा निजाम में बलदियाती नुमाइंदे बेबस हैं। हकीकी मानों में बलदियाती निजाम में तब्दीली लाएंगे। तमाम डिप्टी मेयर से राबते करेंगे। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। मियां महमूद रशीद बोले, हुकूमत बना ली, अब हमारा फोकस डिलीवर करने पर है। सदारती इलेक्शन, मतवालों और मतवालियों के वक्रे अंदाज। एमपीए मिर्जा जावेद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नारे लिखा लिबास पहन कर आए। हिना परवेज भट्ट की मखसूस लिबास में एंट्री। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीरों वाला लिबास से वितरण किया। पीटीआई की सादिया सुहेल राणा पामिस्ट निकली, खातून को हाथ देकर जल्द शादी की खुशखबरी सुना दी। आशियान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, हशीमा शाहिद शफीक, इसरार सईद और बिलाल खुदवाई के जुडिशियल रिमांड में 11 सितंबर तक तौसी। मुलजमान अदालती अहाते में बेंच पर बैठकर इंतजार करते रहे। आइंदा समाअत में मुलजमान में रेफरेंस की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। एलडीए सिटी स्कीम स्कैंडल की तहकीकात का दायरा कार वसी। नैप ने आहा चीमा समेत मजीद अब 9 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया।
स्कीम प्लान और अराजी एक्वायर करने वालों से भी तहकीकात का फैसला। डीजी नैप का असिस्टेंट डायरेक्टर नैप को तहकीकात की मुफसल रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। कम पढ़े असातजा की छुट्टी, महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला। बीएड ना करने वाले असातजा को नौकरी से फारिग कर दिया। 2012 में भर्ती होने वाले असातजा को बीएड के लिए 5 साल का वक्त दिया। महकमा सेहत ने पंजाब भर में तकरारो तबादले पर पाबंदी लगा दी। ताहुकमसानी किसी किस्म का तकरारो तबादला नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन जारी, अतायों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की जेर सदारत हेल्थ केयर कमीशन का इजलास। बल्दिया उज़्मा का 20वां इजलास सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन शोर शराबा करते रहे। तहरीक इंसाफ और नून लीग के चेयरमैन के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ हूँ अफीफ सिद्दीकी। NA 131 से ख्वाजा साद रफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ कोई एतराज नहीं आया। RO ख्वाजा साद रफीक की अहलिया गजाला साहब के कागजात भी NA 131 से मंजूर कर लिए गए। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, स्कूल कैंटीन पर कार्बोहाइड्रेट कोला ड्रिंक्स की फरोख्त की पाबंदी पर अमल दरामद की चेकिंग। लाहौर जोन में 193 स्कूल्स की चेकिंग। कोला ड्रिंक्स बरामद होने पर 6 स्कूल्स की कैंटीन को सील कर दिया गया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई, 25 लाख रुपए मालियत के 3500 के स्मगल शुदा मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। डिप्टी डायरेक्टर मौसम रजा के हिदायत पर कार्रवाई की गई। शहर में चोरी डकैती की वारदातें ना रुक सकी। गुलशन इकबाल घर के बाहर खड़ी शहरी की मोटरसाइकिल चोरी। हरबंसपुरा में डाकू जनरल स्टोर से नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। कब्रिस्तानों की अराजी से मुतालिक केस, असिस्टेंट कमिश्नर मॉरल टाउन ने रिपोर्ट पेश कर दी। जिसका दिल करता है वो कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा कर लेता है। महकमों ने ही कब्जे कर रखे हैं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, अराजी वाकुजा करवाने का हुक्म। किस कानून के तहत दाता दरबार का पार्किंग स्टैंड बंद किया। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के दाता दरबार की सिक्योरिटी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। दाता दरबार में दहशतगर्दी का खतरा है, CCPO। अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो फिर सिक्योरिटी इदारे कहाँ है? आपके जवाब से मुतमईन नहीं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का मुकालमा। अदालत का CCPO को दाता दरबार की सिक्योरिटी से मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का इजलास तलब करने का हुक्म। LDA की करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी, बेयारों मददगार। अली ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया ने पंचे गाड़ लिए। 40 करोड़ से जायद मालियत के सरकारी प्लॉट पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। अराजी के कब्जे के लिए 4 दीवारी करने के मंसूबे पर अमल ना हो सका। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाया जाएगा। सनती एरिया में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल की टेप्टा सेक्रेटेरिएट आमद पर गुफ्तगु। शजरकारी मुहिम के आगाज के लिए पौधा भी लगाया। जस्टिस रिटायर हाफिज तारिक नसीम की वालिदा की नमाज जनाजा जामिया मस्जिद लॉरेंस रोड में अदा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, जस्टिस मामूनुर रशीद, जस्टिस फारूख इरफान समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। क्रिकेट बोर्ड में एहतसाब का ऐलान। मीडिया में
कुछ नहीं छुपाया जाएगा। पीएसएल मैचेस का पाकिस्तान में निकाद अव्वलीन तरजीह है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के बजाय पाकिस्तानी मॉडल ऐजाद करना जरूरी है। नौ मुंतखब पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मजीद नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाएंगे। एहसान मानी चेयरमैन बनने के बाद पीसीबी की तमाम कमेटियों से दस्तबरदार। 900 मुलाजमीन की फहरिस्त और जिम्मेदारियों की तफसील तलब कर ली। एशिया कप के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। कौमी स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर शामिल। सरफराज अहमद कप्तान बरकरार। इमाद वसीम फिटनेस टेस्ट में फेल। मोहम्मद नवाज और जुनेद खान की वापसी। फखर जमान, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, हारिस सुहेल, शादाब खान टीम में शामिल। हसन अली, उस्मान शनवारी, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ भी शामिल। और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब। गुलकार अब्रारुल हक की खसूसी परफॉर्मेंस, तकरीब को 4 चांद लगा दिए।